हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो अपने हम्प में, अपने कूबड़ में किस तरह से वाटर को स्टोर कर लेता है। तो कैमल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो डिजर्ट में रहने वाला एनिमल है, रेगिस्तान में रहने वाला एनिमल है, और वो उसको कई दिनों तक वाटर नहीं मिलता है वहाँ पर डिजर्ट में। तो जब वो वाटर पीता है तो बहुत ज़्यादा वाटर पीता है, और फिर उसके बाद कई कई दिनों तक वो वाटर नहीं पीता है क्योंकि उसको डिजर्ट में वाटर नहीं मिलता है। तो जब वो पीता है तो एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीता है और बहुत फास्ट वाटर पीता है वो, यहाँ तक कि नियर अबाउट 200 लीटर वाटर वो 3 मिनट में पी सकता है। वो 3 मिनट में 200 लीटर वाटर तक के एक कैमल पी सकता है, इतना फास्ट वो वाटर पीता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि वो अपने हम्प में वाटर स्टोर कैसे कर लेता है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है कि जो कैमल होता है वो अपने हम्प में वाटर स्टोर करता है। जिस तरह से इंसान, हम लोग वाटर पीते हैं तो वो जाके ब्लड में मिल जाता है और टिश्यूज़ में स्टोर होता है, तो इसी तरह से कैमल के साथ भी होता है। लेकिन कैमल जितना वाटर पीता है, अगर उतना वाटर हम लोग पी लेंगे तो वो हम लोगों के लिए फिर वो हार्मफुल होगा और हमारे जो टिश्यूज़ होंगे वो फट सकते हैं, और इसको कहा जाता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। लेकिन जो कैमल होता है उसमें और हम लोगों के ब्लड में ये डिफरेंस होता है कि हम लोगों के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, जबकि जो कैमल का ब्लड सेल होता है वो ओवल शेप होता है, और वो उसमें जब ब्लड में वाटर जाता है तो वो जो ब्लड सेल होता है वो फूल के उसका तकरीबन 2-2.5 गुना बड़ा हो जाता है, और उसमें इस तरह के चांस नहीं होते कि उसको किसी तरह का कोई नुकसान होगा, उसकी बॉडी इसी तरह की बनी हुई होती है। तो जो कैमल का वाटर स्टोर होता है वो इसी तरह से जैसे हम लोग में जहाँ वाटर स्टोर होता है उसी तरह से वाटर स्टोर होता है, और कैमल में वाटर, उसकी बॉडी इस तरह से बनी हुई थी कि वाटर को बहुत बचाती है उसकी बॉडी, किडनी जो होती है उसकी, वो भी वाटर को बहुत बचाती है, फिल्टर करती है। तो और उसका जो यूरिन होता है कैमल का, वो इस तरह से पतला यूरिन नहीं होता बल्कि वो गाढ़ा होता है, सिरप की तरह होता है, और जो उसका स्टूल होता है, जो टॉयलेट होता है, वो भी बहुत हार्ड होता है ह्यूमन के कंपेरिजन में। वो इस तरह से हार्ड होता है कि उसको जलाया भी जा सकता है। तो इस तरह से जो पूरा सिस्टम होता है कैमल में, वाटर को बचाने वाला पूरा सिस्टम होता है कि वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसका बच जाए। और जहाँ तक कि हम्प की बात है कि हम्प, तो हम्प में वाटर नहीं स्टोर होता, उसमें फैट स्टोर होता है, और ये फैट उसके न्यूट्रिशन के काम में आता है। जब उसको कई दिनों तक न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिलता तो वहीं से फैट से ही फिर वो एनर्जी लेता है, और धीरे धीरे जब उसको ज़्यादा दिनों तक न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिलता तो जो हम्प होता है उसका शेप भी पहले जैसा हेल्दी नहीं रह जाता, लेकिन फिर उसको जब दोबारा नरिशमेंट मिलता है तो फिर वो उसका हम्प जो है काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो उसके हम्प में फैट स्टोर रहता है, और उसकी पूरी बॉडी में, जिस तरह से दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी में स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है, तो इस तरह से हम्प में ऐसा, तो इस तरह से कैमल में ऐसा नहीं होता। कैमल में उसके हम्प में फैट स्टोर होता है। अब वो इसलिए इस तरह से उसकी बॉडी होती है क्योंकि वो उसको डिजर्ट में रहना होता है, डिजर्ट का जो टेम्परेचर होता है बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत हाई, दिन में बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। तो अगर एक कैमल की बॉडी इस तरह से होगी, जिस तरह से और दूसरे एनिमल होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में फैट फैला हुआ रहता है, तो इस तरह से अगर कैमल की बॉडी में पूरा फैट फैला रहेगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा डिजर्ट में। तो उसका जो फैट होता है वो एक जगह स्टोर होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ नहीं होता है, जिस तरह से दूसरे एनिमल्स में फैला हुआ होता है। तो ये उसको डिजर्ट में रहने के लिए सुटेबल बनाता है, ये जो हम्प होता है और जो हम्प में फैट स्टोर होता है वो, क्योंकि डिजर्ट का टेम्परेचर इस तरह से होता है कि दिन में भी एक्सट्रीम, रात में भी एक्सट्रीम, दिन में बहुत गर्मी और रात में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है दिन के कंपेरिजन में। तो कैमल उस कंडीशन में सर्वाइव कर ले जाता है अपने हम्प की वजह से, जिसमें कि फैट स्टोर होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि वो वाटर कैसे स्टोर करता है अपने हम्प में, तो वाटर स्टोर ही नहीं करता है। वाटर कहाँ स्टोर करता है और हम्प में क्या होता है, ये उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।